हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, पीएचपी प्रोजेक्ट है ये हमारा ओएसएमएस का, इसको ऑनलाइन सर्वर में कैसे आप अपलोड करेंगे या फिर कैसे आप इसको डिप्लॉय करेंगे। पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें किन किन चीज़ें की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया कि हमें एक डोमेन नेम चाहिए, तो जिसको हमने परचेज़ कर लिया है, होस्टिंग चाहिए जिसको भी हमने परचेज़ कर लिया है, और अब हमें आवश्यकता है इसके एसेट्स की, यानी कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें जो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए एक जगह पर। लेकिन जो डेटाबेस हमने बनाया है वो डेटाबेस भी हमें चाहिए एक जगह पर। तो प्रोजेक्ट का जो डेटा है, जो एसेट्स है, वो सी ड्राइव में हमने रखा हुआ है, XAMPP यहाँ HTDocs फोल्डर के अंदर। न्यू OSMS ये फोल्डर है हमारा, मैं इसको कॉपी करके बाहर कर लेता हूँ यहाँ डेस्कटॉप में, और इसका हम लोग जिप फाइल बना लेंगे। तो चलिए, मैंने इसका जिप फाइल बना लिया, सारा फाइल हमारे पास एक जिप के फॉर्म में आ गया, तो इससे हमें अपलोड करने में सुविधा होगी। ठीक, तो एक ये हमें मिल गया, और दूसरा हमें चाहिए डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हमें जाना है यहाँ पर लोकल होस्ट में, देन PHP माई एडमिन में, और यहाँ से हमें अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला डेटाबेस हमारा है। इसके बाद एक्सपोर्ट में क्लिक करना है आपको, देन यहाँ आपको अपना डेटाबेस का नाम लिखना है। मेरे डेटाबेस का नाम है न्यू OSMS। देन आपको गो में क्लिक करना है यहाँ पर, हालांकि इसमें नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फिलहाल गो में क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये हमारा नीचे देखिए डाउनलोड हो गया, सेव हो गया, तो इसको हमें निकाल लेना जहाँ भी है वहाँ से। तो यहाँ क्लिक कीजिए शो इन फोल्डर, और यहाँ से सिंपली इसको कट कर लेते हैं। कट करके हम लोग डेस्कटॉप में यहाँ पर ले आएंगे। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी, तो हमें दो चीज़ें मिल गई, साथ में हमारा डोमेन तैयार है और होस्टिंग भी तैयार है। कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी, क्या मैं आपको दिखाता हूँ। हमें इतना ही इसमें से लेना है, कुछ कोडिंग एडिट करना पड़ेगा, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग अपना ये जो सर्वर है ये बंद कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी ये वेबसाइट, इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है, तो उसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया। हम लोग अब चलेंगे बिग रॉक में लॉग इन करेंगे, या फिर जिस भी कंपनी को आपने परचेज़ किया है आपको वहाँ पर लॉग इन कर लेना है। मैंने लॉग इन कर लिया, आप देख सकते हैं मेरा होस्टिंग है जिसमें ये वाला हमारा डोमेन लगा हुआ है, और ये हमारा डोमेन है, यानी कि एक्सपायरी डेट और डिटेल दिख रही है। अभी अगर ये डोमेन आप ओपन करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं रन करूं, तो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो इसको करते हैं कट, इसको इससे में कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ सेटअप करनी है। देखिए, दो केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि आपने डोमेन और होस्टिंग दोनों सेम कंपनी से परचेज़ किया हो, जैसे मैंने बिग रॉक से दोनों ही परचेज़ किया है। एक और केस ये हो सकता है कि आपका डोमेन किसी एक कंपनी से हो और होस्टिंग किसी दूसरी कंपनी से हो। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। पहले होस्टिंग वाली कंपनी में जाएंगे, जहाँ भी आपका होस्टिंग परचेज़ किया हुआ है उस कंपनी में आपको लॉगिन करना है और उसके पैनल में जाना है। तो ये मेरा होस्टिंग का पैनल आप देख सकते हैं, सिंगल डोमेन लिनक्स मैंने एडवांस्ड परचेज़ किया हुआ है, तो ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नेम सर्वर डिटेल ये वाला चेक क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ आपको नेम सर्वर के कुछ नेम सर्वर आपको मिलेगी, आपको कॉपी करना है और इसको आप नोटपैड या फिर कहीं भी लिख कर रख लीजिए। मैंने इसको यहाँ पर रख लिया हुआ, इसको क्लोज़ कीजिए। अब जहाँ पर आपका डोमेन है, जिस भी कंपनी में आपका डोमेन है, डोमेन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उस डोमेन वाले कंपनी में लॉगिन कीजिए और वहाँ पर जाइए, यानी कि डोमेन वाले सेक्शन में मैं चलता हूँ। यहाँ आ गया, अभी ये डोमेन रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है मेरा। यहाँ पर आपको नेम सर्वर्स में क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये डिफ़ॉल्ट सेट है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे अपना ये जो डोमेन है ये होस्टिंग से लिंक करना है, मैप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो सर्वर से, होस्टिंग से हमने जो नेम सर्वर लिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद पहले वाले में इसको पेस्ट कर देना है। फिर दूसरा वाला है, दूसरे वाले को भी कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, और इसको आप अपडेट नेम सर्वर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपका ये अपडेट होगा, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, 2 से 4 घंटे तक इसमें समय लगते हैं इसको मैप होने में। यानी कि मैंने इसमें इस ये करके मैंने क्या किया, मैंने अपना जो मेरे डोमेन है इसको मैं मैप कर रहा हूँ अपने लिनक्स होस्टिंग से। ये दोनों ही केस में काम करता है, आपने सेम कंपनी में दोनों परचेज़ किया हो या फिर अलग अलग कंपनी में परचेज़ किया हो, ये चेंजेस आपको करनी पड़ सकती हैं। नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप सेम कंपनी से परचेज़ करते हैं
तो कंपनी आपको ये सेटअप करके दे देती है कुछ कंपनियाँ, लेकिन कुछ कंपनियाँ नहीं देती हैं, उस केस में आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, अपनी होस्टिंग वाली कंपनी में लॉगिन कीजिए, वहाँ से होस्टिंग का जो नेम सर्वर डिटेल है उसको चेक कर लीजिए और इसको वेरीफाई कर लीजिए अपने डोमेन वाले में जाकर कि यहाँ पर है या नहीं है। अगर है तो फिर बढ़िया है, अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा मैन्युअली। इतना करने के बाद इसको 2-4 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है हम लोगों को ताकि ये मैप हो जाए। इंस्टेंट नहीं होता है कभी कभी, देखते हैं हमारा कि हमारा हुआ है या नहीं। अभी तक हमने इतनी बातें कर ली, तो कैसे चेक करना है कि हमारा डोमेन हमारे होस्टिंग से मैप हुआ है नहीं, इसके लिए आपको मैनेज वेब होस्टिंग यानी कि होस्टिंग वाली सेक्शन में जाना है, मैनेज वेब होस्टिंग यहाँ पर जाना है। इससे आपको एक नया पेज इस तरीके से ओपन होगा, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल पैनल वेब होस्टिंग का। यहाँ आपको एक नीचे दिखाई देगा सर्वर इन्फॉर्मेशन, आपको कहीं से भी ढूंढना है शेयर्ड आईपी एड्रेस इसका, इस पैनल का। तो सर्वर इन्फॉर्मेशन में अगर आप लॉगिन करते हैं मतलब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर शेयर्ड आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा, ये वाला। ये जो आईपी एड्रेस है शेयर्ड आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस और आपका जो डोमेन का आईपी एड्रेस होगा वो दोनों मैच करना चाहिए। अगर दोनों मैच कर रहा है तो आपका मैप हो गया। तो डोमेन का आईपी एड्रेस कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको सीएमडी ओपन करना है। तो मैंने रन से सीएमडी ओपन किया और यहाँ पर आपको लिखना है ping और अपने डोमेन का नाम। तो मेरे डोमेन का नाम है geekysozproject.com और आपको इंटर प्रेस करना है। अभी जो हमारे डोमेन का आईपी एड्रेस है वो है 2089119791 और यहाँ जो हमारा शेयर्ड आईपी में है वह है 12099996.168। तो दोनों मैच नहीं कर रहा, तो हम ये दोनों अभी तक मैप नहीं हुआ है, हमें वेट करना पड़ेगा 2 से 4 घंटे तक। तो हम लोग वेट करेंगे और वापस से आएंगे और फिर हम लोग पिंग करके देखेंगे कि दोनों मैच कर रहा है या नहीं। अगर दोनों मैच करेगा तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर से हमें वेट करना पड़ेगा। आपकी जो कंपनी होती है वह कंपनी कहती है कि इसको मैप होने में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक लग सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें मैक्स टू मैक्स 3 से 4 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आपका लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कुछ सिस्टम फॉल्ट है इसमें, होस्टिंग में या फिर डोमेन में। आप अपने कस्टमर सपोर्ट से बात कर लीजिए, वो आपको ठीक कर देंगे। तो अभी हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर हम लोग इसको अभी अगर अपलोड करें तो अभी हम लोग देख नहीं पाएंगे कि अपलोड होने के बाद हमारा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। प्रोसीजर जो अपलोड करने का है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा मैप हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके प्रोसेस को देखेंगे कि आगे हमें कैसे ये अपलोड करना है। चेक करते हैं कि हमारा मैप हुआ या नहीं, काफ़ी देर हो चुका है। तो पिंग करना है, पिंग और हमारा जो डोमेन का नाम है geekysozproject.com, ये लिखकर मुझे इंटरप्रेस करना है। अभी देखेंगे हम लोग, हमें हमारे यहाँ मैप हो चुका है, जो शेयर्ड आईपी था हमारा 209 ये दिख रहा है मुझे। मैं एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर हमें मैनेज वेब होस्टिंग में जाना है और यहाँ पर हमें दिखाई देगा हमारा शेयर्ड आईपी। देखिए शेयर्ड आईपी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला आईपी और हमारे जो डोमेन को पिंग करने पर आईपी आ रहा है, ये दोनों ही आईपी बिल्कुल सेम है। तो हमारा मैपिंग का काम हो चुका। अब हम लोग इसमें अपलोड करने का काम करेंगे, अपनी साइट को लोकल होस्ट से इस सर्वर में अपलोड करेंगे। मैप हमारा हो गया है तो अब हमें अपलोड करने की बारी है फाइल्स को। तो होस्टिंग में चलते हैं, होस्टिंग में चलने के बाद हम लोग मैनेज वेब होस्टिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ हमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला काम हमारा होता है कि आप अपना डेटाबेस सेटअप करना है हमें, और दूसरा फाइल्स को अपलोड करना है। पहले डेटाबेस सेटअप करते हैं फिर फाइल्स का मैं आपको दिखाऊंगा। तो डेटाबेस सेटअप हमारा पीएचपी पहले से इंस्टॉल है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमें पीएचपी मिल जाता है पहले से, इसलिए तो हमने इसको परचेज़ किया हुआ है। देखिए पीएचपी माय एडमिन हमारे पास यहाँ मौजूद है पहले से, बट पीएचपी माय एडमिन में अगर हम लोग डायरेक्ट जाते हैं तो हमारे पास यहाँ कहीं डेटाबेस बनाने का ऑप्शन नहीं है। डेटाबेस बनाने का ऑप्शन आपको यहाँ से नहीं मिलता है इसमें, इसमें आपको डेटाबेस बनाने का ऑप्शन इस कंट्रोल पैनल में मिलेगा। यहाँ पर देखिए माई एस क्यू एल डेटाबेस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको पहले एक यूज़र बनाना है, जो यूज़र हमने रूट यूज़र बनाया था अपने लोकल होस्ट में, मेरा रूट था जो पहले से था, बट हमें यहाँ पर यूज़र बनाना पड़ता है। तो यूज़र मैं बनाता हूँ, रूट नहीं रखेंगे इसका नाम, इसका नाम रखते हैं हम लोग
OSMS यूज़र, मैंने OSMS यूज़र रखा है कि ये लिमिटेड वर्ड में है, तो OSMS US हमने रखा। ठीक, अब पासवर्ड यहाँ पर आपको रखना है, पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, तो मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये मेरा हो गया। अभी हमें यहाँ पर और एक और मैं देता हूँ सेम, कि दोनों मैच कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि कितना स्ट्रेंथ है इसका, आप 100 तक जाकर इसको आप बना सकते हैं, बट हमारे लिए इतना काफ़ी है, तो हमें ये पासवर्ड भी याद रखना है और ये यूज़र भी याद रखना है। इतना फिलअप करने के बाद आपको क्रिएट यूज़र में यहाँ पर क्लिक करना है, इससे हमारा एक यूज़र ये वाला नाम से क्रिएट हो गया। तो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करके रख लेंगे। ये हमारा डेटाबेस का यूज़र है और पासवर्ड भी हमारा है, तो उसको मैंने रखा हुआ है दिमाग में, दिखाना नहीं है किसी को। ओके, तो अभी यूज़र यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ये कि यूज़र हमारा ये वाला क्रिएट किया हुआ है। अब हमें डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस का नाम हमने रखा था न्यू OSMS, तो वही नाम हम लोग यहाँ पर रखते हैं, न्यू OSMS, जिसमें प्रीफिक्स रहेगा ये वाला हमारा, तो न्यू OSMS मैंने रख दिया। अभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस में क्लिक करेंगे, तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और डेटाबेस का नाम है ये, तो मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ अपने नोटपैड में। ये हमारा यूज़र है, यूज़र नेम है, और ये हमारा डेटाबेस नेम है, तो ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। उसके बाद गो बैक में जाना है, और यहाँ पर हम लोग ये डेटाबेस क्रिएट करने का था, हमने क्रिएट कर लिया। आपको डेटाबेस मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा अब, और यहाँ करेंट डेटाबेस आपका, आपको लिस्ट दिखाई देगा कि कौन कौन सा डेटाबेस आपने बनाया है, तो सारा लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस को रीनेम कर सकते हैं, यहीं से आपको डेटाबेस को डिलीट और रीनेम करने का है। यूज़र हमने ऐड कर लिया हुआ है, हमें यहाँ पर ऐड यूज़र टू डेटाबेस करना है, यानी कि एक यूज़र को आपको डेटाबेस से ऐड करना है। आपने सेपरेटली एक डेटाबेस बनाया, सेपरेटली आपने एक यूज़र बनाया, अब उन दोनों को हम लोग बताएंगे कि आप किस यूज़र को कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। तो हमारा यूज़र एक ही है, तो हमें इस लिस्ट में एक ही यूज़र दिखाई दे रहा है ये वाला, और डेटाबेस भी हमारा एक ही है, तो यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ऐड में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको प्रिविलेजेस सेट करने हैं, यानी कि आप इस यूज़र को इस डेटाबेस के लिए क्या क्या प्रिविलेजेस देना चाहते हैं। तो ये मेरा एडमिन बनेगा, तो मैंने इसको सारी प्रिविलेजेस दे दी और मेक चेंजेस में क्लिक कर दिया। ये अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, और सारे काम ये कर सकता है, ये मैंने कर दिया। अभी हम लोग देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है क्लियरली, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग गो बैक करेंगे, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर डेटाबेस दिख रहा है, डेटाबेस का नाम है ये, और हमारा कौन सा यूज़र इसको यूज़ कर रहा है उस यूज़र को लिखा गया। आप चाहें तो इस यूज़र को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरे डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बाद में आपका प्लान चेंज होता है कि कोई और यूज़र यूज़ करे, तो इस यूज़र को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा डेटाबेस डिलीट करना हो, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको जब भी जितनी भी यूज़र ऐड करनी हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और यूज़र के अकॉर्डिंग उसका डेटाबेस यहाँ से मैप कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका करेंट यूज़र है, आप चाहें तो यहाँ से इस करेंट यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो इसके लिए ज़रूरी थी, हमें ये पता होना चाहिए। अभी वापस से हम लोग होम में चलते हैं यहाँ पर, और हमें जाना है PHP माई एडमिन में। अब PHP माई एडमिन में क्लिक किया, तो हमारे पास ये पहले से ही हमें रिडायरेक्ट करेगा PHP माई एडमिन में थोड़ी देर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डेटाबेस हमें दिखाई दे रहा, बट इस डेटाबेस में कुछ भी है नहीं। तो यहाँ पर हमें इम्पोर्ट करना है अपना सारा टेबल जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला एसक्यूएल का फाइल, ये मुझे पूरा का पूरा इंपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अब आपको यहाँ पर आकर फिर बनाना पड़ेगा कि एक टेबल, वैसा नहीं करना है। सिंपली ये वाला हमारा डेटाबेस है, यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, हम लोग इंपोर्ट में क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल, देन हमारा एसक्यूएल का जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, और आपको गो में क्लिक करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विदाउट एनी एरर आपको सारे इंपोर्ट होकर यहाँ पर टेबल दिखाई देंगे। देखिए हमारा कोई भी एरर नहीं आया, और सारे टेबल्स हमारे, सारे क्वेरीज, सारा डेटा के साथ हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। असाइन वर्क में देखिए आपको दिखाई देगा, आप एडमिन लॉगिन में देखिए आपको दिखाई देगा, आप रिक्वेस्टर लॉगिन में देखिए आपको रिक्वेस्टर जो यूज़र्स हैं वो दिखाई देंगे। तो हमने
अपना डेटाबेस यहाँ इम्पोर्ट कर लिया है, डेटाबेस का काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब आप इसको कट कर सकते हैं। अभी बारी रह गई है कि हम लोग अपने फाइल्स को, हमारा जो हमने जो जिप फाइल बनाया था उसको अपलोड करना है, तो उसके लिए हम लोग फाइल मैनेजर यूज़ करेंगे। बहुत से लोग जिल्ला फाइल जिल्ला यूज़ करते हैं, कि एक टूल है वो जिससे आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, बट मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट जो है उसका यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइल मैनेजर हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे। फाइल मैनेजर में हम लोग क्लिक करते हैं और ये हमें इस पैनल में लेकर आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है पब्लिक अंडरस्कोर HTML इस फोल्डर को, ये हमारा अभी खाली है। इसमें अगर कुछ फाइल्स आप फोल्डर आपकी होगी डिफ़ॉल्ट तो आप उसको हटा सकते हैं, अगर रहने दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रहने दीजिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज कि कुछ ना कुछ कार्य की वजह से वह वहाँ पर होगा। अभी हम यहाँ पर आकर फाइल को अपलोड करें, उससे पहले हमें डेटाबेस में कुछ चेंजेस करनी है। डेटाबेस में हमें चेंज करना है यहाँ पर हमारा जो, अच्छा हम लोग अपलोड करने के बाद भी इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली यहीं पर चेंज कर सकते थे। हमारा डेटाबेस कनेक्शन का जो कोड था ये वाला, बस आपको इसको ओपन करना होता, ओपन विथ या फिर जिससे भी आप ओपन करना चाहते हैं, नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना था। देन आपको वहाँ से जो आपका यूज़र नेम है इसको चेंज करना होता, रूट से जो हमने यहाँ पर सेव करके रखा है वह यूज़र नेम आपको लिखना पड़ेगा, देन डेटाबेस का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा और यूज़र का पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद मैं वहाँ से आपको दिखा दूँगा कि वहाँ से कैसे करना है, यहाँ से तो आपको पता ही है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। अपलोड में क्लिक करना है। अपलोड में क्लिक करने से एक न्यू टैब ये ओपन करके आपको देगा, सेलेक्ट फाइल और ये जिप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। ये हमारा देखिए अपलोड होना शुरू हो गया, ये क्विकली 100% हो जाएगा बिकॉज बहुत ही छोटा सा है, 700 का KB का था, तो ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ क्लिक कीजिएगा, ये आपको पब्लिक HTML फोल्डर में वापस से लेके जाएगा यहाँ पर। अभी हम लोग को इसको एक्सट्रैक्ट करने का है, तो इस जिप फाइल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप एक्सट्रैक्ट में क्लिक कीजिए। यहीं पर मुझे करना है, मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक किया, वो मुझे ये सारे फाइल्स एक्सट्रैक्ट होकर मिल गई फोल्डर में, ये वाले फोल्डर में। तो इस फोल्डर के अंदर जाना है डबल क्लिक करके, और ये जो फाइल आपको दिखाई दे रहा है इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट ऑल करके फिर आप इसको मूव कीजिए। तो मैंने मूव में क्लिक किया, मूव करके हम लोग ये वाला जो फोल्डर है हटा देंगे और हम लोग यहाँ पर रख देंगे, यानी कि इस पब्लिक अंडरस्कोर HTML में मुझे ये चाहिए, तो मैंने इसको मूव फाइल में क्लिक किया। यहाँ से हमारा सब गायब, एक लेवल अप चलते हैं, एक लेवल और अप। ओके, हमारा ये HTML फोल्डर के अंदर चलते हैं ऐसे मैनुअली। यहाँ से हमारा ये जो फोल्डर है ये खाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फोल्डर डिलीट कर देंगे, ये वाला सेलेक्ट करना है और हमें डिलीट पर क्लिक करना है। ये हमारा परमानेंटली डिलीट हो गया। जो हमारा जिप फाइल है ये वाला, इसे भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है, तो हमने इसको भी डिलीट कर दिया परमानेंटली। अब हमें चेंज करना है अपना डेटाबेस का कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था, तो हमारा DB कनेक्शन एक जगह ही हमने लिखा हुआ है, हमने पहले ही वहाँ सेल करके रखा हुआ, तो मैनेज करना आसान है हमारे लिए, हमें बस एक जगह चेंज करना पड़ेगा और बाकी सभी जगह अपने आप ये चेंज हो जाएगा। तो ये वाला फाइल है हमारा PHP का, हमें ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें एडिट का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, हमें एडिट में क्लिक करना है और हम लोग एडिट में यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये हमें एडिटर में ओपन करके देगा ये पूरा का पूरा। DB होस्ट आपका लोकल होस्ट ही रहेगा, रूट DB यूज़र मुझे चेंज कर देना है, जो मेरा यूज़र यहाँ पर है वह मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से रूट हटाकर हम लोग अपना यूज़र लगा देंगे। देन पासवर्ड जो हमारा है वह लगा देंगे, तो पासवर्ड मैं अपना लिख देता हूँ, पासवर्ड मैंने लिख दिया, और हमारा जो डेटाबेस का नाम है वह हमें यहाँ पर मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो डेटाबेस का नाम है वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वह मैंने लिख दिया। और पोर्ट हमारा, इसको इस पोर्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, पोर्ट की हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हटा दिया और यहाँ भी इससे भी मैं हटा देता हूँ। बस इतना हमारा होस्ट है, यूज़र है, पासवर्ड है और डेटाबेस का नेम है। होपफुली सब कुछ बढ़िया रहा तो ठीक हमारा काम करेगा, वरना फिर से हमें चेक करने, वेरीफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने इसको सेव चेंजेस में क्लिक किया, तो ये मेरा सेव हो गया। इसके बाद इसको आपको क्लोज कर देना। सही तरीके से हमारा अपलोड हो गया है, तो हम लोग एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट वाप कहीं में ऑनलाइन चल रही है या नहीं।
तो हमने अपना डोमेन लिखा और हमने इंटर प्रेस किया, हमारा वेबसाइट जो है वो ओपन हो रहा है। देखिए हमारा ये साइट ओपन हो गया है, ये साइट सही तरीके से चल रहा है और मुझे लगता है कि डेटाबेस भी सही तरीके से काम कर रहा है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, डेटाबेस काम नहीं करता करेगा तो हमारा लॉगिन वगैरह का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो मैंने यूज़र के लिए जो बनाया था user8osms.com और इसका पासवर्ड था 123456, लॉगिन में क्लिक किया तो हमारा ये देखिए लॉगिन हो रहा है, सबमिट रिक्वेस्ट काम कर रहा है, सर्विस स्टेटस भी काम कर रहा है, चेंज पासवर्ड भी काम कर रहा है और लॉगआउट भी काम कर रहा है। तो यूज़र पैनल सही तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली एक बार एडमिन पैनल को भी देख लेते हैं, एडमिन का लॉगिन है और एडमिन लॉगिन के लिए admin8osms.com और इसका पासवर्ड 123456 और लॉगिन में क्लिक करते हैं तो हमें डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। हमारा वर्क ऑर्डर काम कर रहा है, रिक्वेस्ट काम कर रहा है, हमारा एसेट्स काम कर रहा है, टेक्नीशियन काम कर रहा है और हमारा रिक्वेस्टर भी काम कर रहा है। हमारा सेल रिपोर्ट, वर्क रिपोर्ट, चेंज पासवर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं कोड में हमारा फॉल्ट है। हमने एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग पेज भी दिया है तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा, चेंज पासवर्ड वाले पेज भी इस पेज में जाकर, ठीक। देन हमारा लॉग आउट। तो हमारा जो वेबसाइट हमने बनाया, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसको हमने ऑनलाइन भी अपलोड कर दिया है और इसी के साथ हमारा ये काम ख़त्म हो जाता है ऑनलाइन अपलोड करने वाला। और ये तरीका है आपको ऑनलाइन अपलोड करने का। पैनल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लाइक आपने अपलोड कर दिया, आपका काम नहीं कर रहा, साइट ओपन नहीं हो रहा 3 घंटे 4 घंटे के बाद भी, तो आपने जहाँ से परचेज़ किया है उस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट में बात कीजिएगा, वो लोग रिजॉल्व कर देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है। लाइक DNS मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी होती है तो आपका साइट कभी कभी काम नहीं करता है, तो आप उससे बात कीजिएगा तो आपको ठीक करके दे देगा अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।